तो गाइज आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लाइक लिटरली मैं कल जब से उठा हुआ हूँ कल दिन से, तो उसके बाद फिर मैंने स्ट्रीम किया और फिर उसके बाद रात में हम लोग निकले, अपना एयरपोर्ट गए, फ़्लाइट पकड़ी, फ़्लाइट के बाद फिर अलीगढ़ तक आए, फिर मैं घर वालों के साथ बैठा, 1 घंटे के लिए लेटा था, फिर उसके बाद पीसी बनाने के लिए आ गए। अच्छा, छोटे शहर की बात यह है कि यहाँ पे नॉर्मली पीसी असेंबल करने वाले लोग तो हैं, पर गेमिंग पीसी में थोड़ा सा जो है मसला आ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो गेमिंग पीसी जो लोग बनाते हैं या असेंबल करते हैं, वही लोग बहुत सही तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर अभी के लिए ये थोड़ा बहुत रेडी है। अभी मुझे कल यहाँ पे कारपेंटर आएगा एंड ये पूरा बेड, ये डबल बेड को ले जाएगा एक दूसरे कमरे में एंड वहाँ से सिंगल बेड यहाँ पे आएगा, सो दैट यहाँ पे मेरे लिए मेरे टेबल को जगह मिले बढ़िया सी। सो गाइज इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डे आज का, और अभी अभी मेरा सिस्टम हाफ बिल्ड हुआ, और अभी के लिए मतलब हाफ बिल्ड क्या, एक तरीके से हो ही गया, बट कुछ चीज़ें अभी भी रह गई हैं जो इसमें फिक्स होना बाकी है। एंड द थिंग इज़ कि आई गेस वो लोग कल लौट के आएंगे और ताकि ये फुली फंक्शनिंग स्टेट में हो जाए, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गेमिंग कंप्यूटर्स को असेंबल करने का इतना वो है नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर्स जो लोग ऑफिसेज में यूज़ करते हैं वही वाली चीज़ें चलती हैं। सो आज का दिन तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि आई ट्रैवल्ड द होल डे, और अभी आई विल गो टेक अ शावर ताकि मैं बिल्कुल थकान ख़त्म हो जाए, एंड शावर से पहले मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा सो दैट मुझे बढ़िया लगे, सारी थकान थोड़ी तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। एंड मैं हेयर ऑयल यूज़ करके आई विल गो और मैं अपनी मम्मी से मसाज करवाऊंगा। एक पर्क जो घर पे रहने का होता है वो ये कि मम्मी से मसाज करवाया जा सकता है। सो फॉर नाउ आई एम यूजिंग द टी ट्री हेयर ऑयल, अलॉन्ग विद दैट मैंने आर्गन हेयर ऑयल भी मंगवाया है ताकि मैं दोनों ट्राई कर सकूँ, अपने लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए। घर वाले भी यूज़ करते हैं अब चीज़ें, सो इट इज़ अ बिग प्लस, मज़ा आता है, उन लोगों को भी अच्छा लगता है यूज़ करना, दे रियली लाइक द प्रोडक्ट मामा अर्थ के। सो अभी के लिए आई एम यूजिंग द टी ट्री हेयर ऑयल, एंड इसमें अभी मैं इसको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सनफ्लावर का ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, टी ट्री एक्सट्रैक्ट्स हैं, विच इज़ अ रियली वेरी ग्रेट प्लस। और मैंने पहले भी इसका फेस वॉश भी यूज़ करा है और जो कि बढ़िया लगा मुझे एक तरीके से, और तो आई एम गोइंग विद इट, और अभी मैं इसको यूज़ करूँगा सो दैट मैं आराम से इसको लगा के नहा के एंड देन आई विल गो टू स्लीप। कल भी इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग डे क्योंकि कल भी काम होना है, कमरे में काम होना है बहुत सारा। सो अभी इसको लगाते हैं हम एंड देन आई विल गो टेक शावर एंड देन आई विल गो एंड स्लीप। सो या गाइस, तो मैंने अभी ये टी ट्री हेयर ऑयल लगवा लिया, मम्मी से मसाज भी करवा लिया। सो अगर आपको ये यूज़ करना हो, इफ़ यू वांट टू गेट इट, तो या आप mamaearth.in की वेबसाइट पे जाके mamba2021 का कोड यूज़ कर सकते हो, और रिमेंबर 2020 में सारा 2020 वाला कोड था, इट्स 2021 सो इट हैज़ चेंज टू mamba2021। इफ़ यू वांट टू हैव दिस फॉर यू और योर फैमिली, यू कैन गो एंड परचेज इट फॉर द 20% ऑफ बाय यूजिंग द कोड। ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon, Nykaa एंड Flipkart। सो टू अवेल द 20% कोड आपको mamba2021 का कोड यूज़ करना होगा mamba.in पे ही। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप जाओ और गेट इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। ऑल्सो गाइज मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मैं इस वजह से इतना यूज़ करता हूँ जस्ट बिकॉज कि वो पीटा सर्टिफाइड होते हैं, नो एनिमल्स आर हार्म इन देयर प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसमें। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट देम, सो गो इन लार्ज नंबर्स एंड डू इट। ऑल्सो अगर आपको पसंद आए प्रोडक्ट एंड इफ़ यू विश टू बाय इट, तो आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, mamba2021 का कोड यूज़ करना mamaearth.in पे ही। ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa, तो वहाँ पे जाओगे, बट अवेल करने के लिए कोड को mamba2021 जाना mamaearth.in पे। सो गाइस डे 2 यहाँ पे चल रहा है काम, और थोड़ा सा एफ हो गया था कल,
मसला ये हो गया था कि पावर वाला जो तार था वो गलत जगह थोड़ा सा घुस गया था, जिसकी वजह से ये लोग तो अपना जुगाड़ लगा के जो है ऑन कर दिया था इन्होंने। मैं रात में बैठ के जो है उंगली करता रहा उसमें बटन में, पर वो ऑन हो के नहीं दिया किसी सूरत से। तो अभी खैर इसको थोड़ा सा टाइटी करा जा रहा है अंदर से, वायरिंग को एक जगह पूरा करा जा रहा है पीछे की तरफ, ताकि यहाँ से थोड़ा सा क्लीन लगे, आरजीबी अच्छा सा थोड़ा लुक दे अंदर की तरफ, क्योंकि पूरा ग्लास फ्रेम है तो पूरा अंदर का दिखेगा, तो अगर वायरिंग बहुत ही अनटाइडी रहेगी तो फटीचर सा दिखेगा थोड़ा। तो अभी वो चीज़ करी जा रही है। सो गाइस अभी दो तीन दिन गुजर गए हैं और अब मेरा सेटअप एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड आई हैव ब्रॉट माय चेयर फ्रॉम दिल्ली आल्सो। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव इन माय होम प्लेस, मेरे घर पे मैंने ये सेटअप बिल्ड किया है, एंड जल्दी से आप लोगों को लेके दिखाते हैं कि सेटअप टूर मेरा और सेटअप में मेरे क्या क्या है, किस तरीके से मैंने इसको छोटी सी जगह पे एक अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन क्या किया है, सब कुछ मैंने जो जो मुझे दिमाग में आ रहा था वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जमा करता चला गया, एंड एक छोटा सा खूबसूरत सा सेटअप मैंने अपने लिए बनाया है। सो दिखाते हैं आपको। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है। सो गाइस सेटअप में मैंने अपने एक ये रिंग लाइट लगवाई हुई है ऑन द लेफ्ट साइड एंड एज वेल एज ऑन द राइट साइड। मैं एल्गाटो की की लाइट्स यूज़ करना चाहता था, बट वो यूएस से मिलती हैं, इस वजह से आई हैड टू यूज़ इट ये वाली विद द स्टैंड। बोथ ऑफ दीज रिंग लाइट्स कॉस्ट मी अराउंड 8,800 एंड दिस इज़ द बेनक्यू मॉनिटर, एंड ये बेनक्यू का मॉनिटर है फॉर गेम्स एंड ऑल। ये हम लोगों का एक 60 हर्ट्ज़ का ऐसे ही एक डेल का मॉनिटर है। अलॉन्ग विद दिस हमारा यहाँ पे लॉजिटेक का कीबोर्ड है, आर गो टू कीबोर्ड। उसके साथ लॉजिटेक का हमारे पास एक माउस है, द G1O2। ये हमारे पास चीज़ें हैं, दिस इज़ द फ़ोन स्टैंड आई हैव जो मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ। मुंबई में मेरे पास एक अलग फ़ोन स्टैंड है, यहाँ पे एक अलग है, एंड दिस इज़ द एल्गाटो वेव 3 माइक जो हम लोग एक एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं। और उसके अलावा आई यूज़ 2 हेडफोन्स, एक हमारे पास ये है एस्ट्रो का A50, ये बहुत बढ़िया वायरलेस हेडफोन है। उसके साथ साथ वी यूज़ अनदर हेडफोन विच इज़ द रेजर थ्रेशर 7.1। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हेडफोन, ये मैंने पीछे इसके लगा रखा है ताकि जब मैं यूज़ करूँ तो मेरे काम आ सके। दिस इज़ आर लॉजिटेक C922, हम लोगों का फेस कैम, एविंग सा फेस कैम है अभी, वी आर नॉट गोइंग फुल कैमरा, DSLR के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। इट इज़ गुड, इट गिव्स गुड क्वालिटी, तो आई एम सेटिस्फाइड विद इट राइट नाउ। ये हम लोगों का कोरल का ट्री लैम्प है,
ये हम लोगों को अमेज़ोन पे मिल जाता है वेरी चीप, तो इट इज़ ईज़िली अवेलेबल ऑन अमेज़ोन. ये मैंने ऐसे ही लगा लिया था ताकि ये एक अच्छा सा टच दे. सो या दिस इज़ इट. ऑल्सो वी आर यूजिंग दिस इन आर सेटअप. दिस इज़ FND का स्पीकर, 5.1 वॉट का है ये, एंड ये चार स्पीकर्स के साथ आता है विद अ बेस लैम्प, तो वो हम लोगों ने नीचे रखा हुआ है. सो या दिस इज़ इट. दिस इज़ फाइनल हम लोगों का ये सेटअप है. सो आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा. We be the best, yeah, we be the best, yeah, we be the best.